भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को मामला एक बार फिर से चर्चा में है। काय के शिक्षक वर्ग 3 की एक परीक्षा को पेपर और आंसर शीट बताई गई कि उनको स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल होगा, यानी लीक होने की खबर सामने आई। अब जो पेपर स्क्रीनशॉट के जरिए बताओ गए है शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा को, जो पेपर असली है तो के नकली है तो लीक भाव तो कैसे भाव, और लीक नहीं भाव तो फिर वायरल काय भाव, जो जांच को विषय है तो। लेकिन इस पूरे मामले ने एक गजब राजनीतिक मोड़ ले लो। काय के कांग्रेस पार्टी के नेता के मिश्रा और डॉक्टर आनंद राय, जो एक RTI एक्टिविस्ट कम नेता कम डॉक्टर हैं, उनने आरोप लगा दो कि जी लक्ष्मण सिंह के मोबाइल को स्क्रीनशॉट परीक्षा के पेपर के तौर पे वायरल हो रहा है, वे लक्ष्मण सिंह मरकाम हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय में पदस्थ हैं। अब जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे उनमें कहता हूँ ना तो लक्ष्मण सिंह मरकाम लिखे है, ना उनको मोबाइल नंबर लिखे है। सो यही बात को आधार बना के अब खुद लक्ष्मण सिंह मरकाम ने, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हैं, के मिश्रा और डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ तमाम धाराओं में FIR करा दी है। और बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के मिश्रा के पक्ष में तो खड़ी है, लेकिन कितों भी लक्ष्मण सिंह मरकाम को नाम लेवे से बच रही है। का है जो पूरा मामला देखो विस्तार से रिपोर्ट में। दरअसल व्यापम की शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के पेपर परीक्षा के पहले ही मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए वायरल होवे को दावा करेगा, और स्क्रीनशॉट में लक्ष्मण सिंह नाम के व्यक्ति को नाम ऊपर दिखाई दे रहा हो। और इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी के मिश्रा और RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए और लक्ष्मण सिंह को बताओ कि जे लक्ष्मण सिंह मरकाम हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय में पदस्थ हैं। और लक्ष्मण सिंह मरकाम ने इस पूरे के पूरे मामले में अपने आप को जोड़े जावे को लेके फर्जी वाले की बात करी, और एट्रोसिटी एक्ट में के मिश्रा और आनंद राय के खिलाफ मामला दर्ज करा दो है। उतई सरकार को कहो है कि कूटरचित स्क्रीनशॉट मोबाइल फोन के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करके मुख्यमंत्री के कार्यालय में पदस्थ अधिकारी पे कीचड़ उछालने को षड्यंत्र करेगा है। जनजाति वर्ग के योग्य अधिकारी पे जो गलत आरोप लगाए हैं उनको लेकर कानूनी कार्रवाई करी गई है, और आगे भी यही मामले के तहत कार्रवाई करी गई है। वो कूट रचित स्क्रीनशॉट मोबाइल पर उसके स्क्रीन के शॉट दिखाकर सीधे मुख्यमंत्री के OSD को कीचड़ उछालने का जो षड्यंत्र किया गया है उस पर FIR हुई है। जनजाति वर्ग से एक योग्य और ईमानदार अधिकारी जो सर्वविदित रहे हैं उन पर आरोप लगाया है, उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है, और आगे भी उसी कानूनी कार्रवाई के तहत आगे बढ़ा जाएगा। के मिश्रा ने मांग करी है कि मुख्यमंत्री के OSD के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। जब परीक्षा में मोबाइल आदि प्रतिबंधित है तो शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा को प्रश्न पत्र और आंसर शीट मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी के मोबाइल फोन में कैसे पहुंचे। उतनी डॉक्टर आनंद राय ने भी पूरे मामले में एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को आरोप लगाओ है। मगर जो अभी एक हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं वो यह है कि इस परीक्षा में जब मोबाइल फोन वर्जित हैं तब 35 प्रश्न का प्रश्न पत्र जो 25 मार्च को संपन्न हुआ है और उसकी आंसर शीट
मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम, जिन्हें नौसेना आयुध मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है उप सचिव मध्य प्रदेश शासन के रूप में, उनके मोबाइल तक कैसे पहुंचा? तो इतना बड़ा स्कैंडल जो आज सामने आया है उसमें भी मुख्यमंत्री के ओएसडी का नाम आ रहा है, और जो पहले व्यापम हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था, जिन्हें अग्रिम जमानत करानी पड़ी थी भोपाल जिला न्यायालय से। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, मैं अभी कुछ दस्तावेज मीडिया को सार्वजनिक कर रहा हूं, कि माननीय मुख्यमंत्री आज ही इसकी निष्पक्ष जांच की घोषणा करें, लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का मोबाइल जब्त करवाएं ताकि साक्ष्य नष्ट ना हो सके, और जिस भी निष्पक्ष एजेंसी को मुख्यमंत्री जी अधिकृत करेंगे उनको हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने के मिश्रा को साथ दोहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कोनो भी बड़े नेता ने इस पूरे मामले में लक्ष्मण सिंह मरकाम के नाम को जिक्र नहीं करे है, काय के सीधे तौर पे बिना कोनो ठोस सबूत के ऐसी गलती शायद कांग्रेस के बड़े नेता भी करवे से बच रहे हैं। राजनीति की हलचलों से अलग प्रदेश के युवा इस पूरी की पूरी परीक्षा में गड़बड़ी की खबरों से परेशान हैं, और यही को लेकर उनने व्यापम के बाहर प्रदर्शन भी करे। शिक्षा का व्यवसाय करें, देश को आगे करना है। एक दो बीबी को फेंक दो, देश को आगे करना है। एक दो एक दो बीबी को फेंक दो, एक दो मुद्दे को उठाने आए हैं जो पीबी में लगातार गड़बड़ियां चल रही हैं। सर आज से नहीं, पिछले 3 सालों में 3 परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं, उसमें एग्रीकल्चर की है, वर्ग ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की है, नर्सिंग की है, और अब शिक्षक भर्ती भी बंद होने की मतलब उसके निरस्त होने की कगार पर है। एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है, शाम को बच्चा क्वालिफाइड है, सुबह डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए हम पीबी को ये चेताने आए थे कि इन सब की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाए, नॉर्मल प्रक्रिया बंद करो, एक दिन में एक पेपर होना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में, ऑफलाइन पेपर होना चाहिए। ऑनलाइन पेपर में बच्चा पेपर दे नहीं पाता है, वो भरता है इंग्लिश, आती है संस्कृत, और वहां पर कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। सेंटर पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कोई भी पीबी का जो वहां पे वो होता है पर्यवेक्षक, वो बना कर देता, बोलता है पीबी गड़बड़ी है, तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा? सर ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके पेपर इस बार नहीं हुए, तो हम चाहते हैं शिक्षक भर्ती फिर से कराई जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से उसकी पेपर मतलब बच्चा जो क्वालिफाइड हो जाए। तो भैया ये परीक्षा में कौन गड़बड़ी भई के नहीं भई, जो तो जांच को विषय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिना कोनो ठोस सबूतों के मिश्रा और डॉक्टर आनंद राय ने लक्ष्मण सिंह मरकाम को नाम लाओ है तो फिर भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और अगर उनके पास ये बात के सबूत हैं कि जो भी लिख रहे थे सोशल मीडिया पर उनको भी पुख्ता कर सकते हैं, तो फिर बेसबूत भी जांच में दें चाहिए। राम राम।